ये आप कहेंगे जी एंटी पाकिस्तान है, जो भी कहें, मगर द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि उस वक्त अगर इंडिया विफल इस पर अमल करता आता, दो लख्त करता, और वक्त ऐसा आता कि सिविल पॉपुलेशन को उभरना चाहिए, उठना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, तो आप जानते हैं कि जब आर्मी फेल होता है फिर सिविल रेजिस्ट करते हैं, कोई अपना डंडा लिया है, कोई वो दांतरी लिया हुआ है, कोई और बना, जैसे रात में हम देख रहे हैं। तो उस वक्त मैंने बयान भी दिया, अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा वाकया होता सिर्फ पंजाब के फौज जो मैदान में लड़ते, पंजाब के सिविलियंस दांतरी लेकर सिविल रजिस्टर्स, एक बलोच नहीं उठता, एक सिंधी नहीं उठता, पठान चंदे उठते, उस वक्त भी है आज भी यही है। तीन सरदारों के अलावा कहते हैं बाकी बलोच सरदार तो सारे साथ हैं, साथ हैं वक्ती तौर, अपना मुफाद हासिल करने चाहिए, कुछ इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, कल एक जंग हो जाए सब एक तरफ होकर क्या हो जाएंगे, ये टेम्पररी चीज है, आरजी ऐसी कोई जंग आपको नजर आती है मुस्तकबिल? मुझे नजर नहीं आ रही है, हो सकता है, पता नहीं, वो तो वो लोग जानते हैं, पागल लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो जंग छेड़ भी देते हैं, फिर खत्म भी कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कितने जंग पहले लड़े हैं, कितने जंग लड़े हैं, पता नहीं, चार हैं, पांच है, कितने हुए? नवाब साहब आपका बहुत शुक्रिया।